हेलो गाइस, मैं से तो भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे सब लोग? आप लोगों का लगातार मुझे प्यार मिल रहा है और लगातार आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ और लगातार मजा आ रहा है। धीरे धीरे टॉपिक जो है जेनेटिक्स का बहुत आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो आपका प्यार मुझे इस प्रकार मिलता रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके प्यार के बिना मैं अधूरा हूँ और प्यार ही वो ताकत दुनिया में जो इंसान सब कुछ करवा देती है। ओके, तो गाइस बिना समय वेस्ट के हम स्टार्ट करें। टॉपिक हमारा आज का है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम दो टॉपिक आपके कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक ही है, बट दो आपको हम कॉन्सेप्ट करवाने वाले हैं। एक में हम लोग आपका ये जो वॉल्टर सटन का कॉन्सेप्ट करवाएंगे और एक में हम लोग जो आपका ये मॉर्गन का जो प्रिंसिपल वो हम करवाने वाले हैं। क्लियर? आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट करेंगे। एक हमारे पास में ये वॉल्टर सटन का पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे जो क्रोमोसोमल है अगली पीढ़ी में जाते हैं और कैसे सारी कहानी हुई थी वो हम समझने वाले हैं। तो समझने से पहले आप लोग माइंड को सेट कर लें, आप लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वहां से बेसिक समझना बहुत जरूरी है यहां तक आने के लिए। यानी अब तक माहौल ये था कि जीन फैक्टर ये सब कहानी समझ में आ रही थी कि हाँ जीन अगली वीडियो में जाता है, ओके, नो इश्यूज, ओके। बट जैसे ही एडवांसमेंट हुआ, यानी मैं अगर बात करूं 90s की, ओके, 1900 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो हमारे भाई साहब थे हमारे आदरणीय, वो 1884 के अंदर चल पड़े थे। जो मेंडल भाई साहब है, कब? 1884 में चल पड़े थे। उनके मरने के 16 साल बाद, कितने साल बाद? 16 साल बाद, दैट्स मीन 19 के अंदर तीन भाई साहब आए थे, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज एंड वॉन शेनमार्क, तीन बंदे आए थे। इन तीनों बंदों ने वापस को रीडिस्कवर किया और उसको स्टडी किया और समझा कि हाँ जो जीन है उन्होंने जो वर्ड वर्ड फैक्टर वो जो है अगली पीढ़ी में जाता है, या तो उनको समझ में आया, ओके दैट्स मीन, ओके गुड। बट 1900 तक आते आते जो माइक्रोस्कोपी थी वो बहुत एडवांसमेंट हो चुका था। क्या हो चुका था? माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट हो चुका था। तो क्या हुआ? माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट होने से हमें ये फायदा हो गया था कि हम लोग जो है सेल के अंदर झांक कर देख सकते थे सेल के अंदर क्या है। ठीक है, तो वही टॉपिक हमारे पास था। हमारे पास में सेल को जो हमने अंदर डिस्कस करके देखा, सेल के अंदर पूरा देखा, तो हमें मिला न्यूक्लियस। क्या मिला हमें? न्यूक्लियस मिला। हम उसके अंदर घुसे, पहले कहां घुसे? सेल में। फिर कहां घुसे? न्यूक्लियस में। तो हमें उसकी पूरी स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर की जो क्रोमोसोम की जो मैकेनिज्म है वो हम समझ पड़ी। तो वही मैकेनिज्म हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते टॉपिक हमारा आज का है, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ये प्रिंसिपल है क्रोमोसोमल और दूसरा है इनहेरिटेंस। हम लोग बोलते हैं जीन इनहेरिटेंस, मतलब जीन का अगली पीढ़ी में जाना। उसी प्रकार मैंने बड़ा बोला क्रोमोसोम का अगली पीढ़ी में जाना। तो ये क्रोमोसोमल का और जीन का क्या लोचा हुआ आपको मैं यहाँ पे कर दूं क्लियर। हमें बेसिक यहाँ पे समझना होगा कि ये जो थ्योरी देने वाले भाई साहब थे कौन। तो ये थ्योरी देने वाले भाई साहब का नाम था हमारे पास में वॉल्टर शटन एंड थियोडोर बोवेरी। 1902 की बात है, 1902 की बात ध्यान रखना है। ओके, कब की बात ध्यान रखना है? नाम कौन बंदों के? दो नाम है, दो बंदों ने मिलकर प्रिंसिपल दिया था। नाम था वॉल्टर शटन एंड थियोडोर बोवेरी। कब की बात है? 1902 की बात है। यहां तक आने क्लियर, बहुत क्लियर है। चलिए, अब हुआ क्या? इन्होंने क्या बोला कि साहब जो 19 के अंदर जो मेंडल है वो डिस्कवर कर दिया। हमने क्या किया? 1900 के अंदर हमने इसको मतलब तीन बंदे थे, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज एंड वॉन शेनमार्क, उन्होंने इसको रीडिस्कवर कर दिया। तो रीडिस्कवर करके उन्होंने पूरी बात समझाई। एक्चुअली था क्या था, उस समय ये बंदे भी पैरेलल जेनेटिक्स पे स्टडी कर रहे थे। ओके, तब तक क्योंकि 16 साल के अंदर जो है माइक्रोस्कोपी बहुत एडवांसमेंट लेवल पे जा चुकी थी, और उस समय तक जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने के बाद में जो सेल है, सेल की पूरी स्टडी हो चुकी थी। सेल के बारे में, सेल के अंदर जो मेन पावर हमारा फोकस वो न्यूक्लियस है, वहां पे स्टडी हो चुकी थी। ओके, तो हमने क्या जान रखना है कि हमें समझ में आ चुका था कि कहानी के लिए होती क्या रखना सेल के अंदर। तो समझ में ये आया, यहाँ पे जगह नहीं है कि साहब सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, और वो न्यूक्लियस ध्यान रखना नॉर्मल के यहाँ पे क्रोमेटिन, क्या होता है? क्रोमेटिन फॉर्मेट के अंदर पड़ा हुआ होता है। बट जब भी सेल डिविजन की बात आती है, ये जो क्रोमेटिन है चेंज इन टू क्रोमोजोम, किस में जाती है? क्रोमोजोम। ओके, यानी कि बात करते हैं जब सेल डिवीजन कर रहा होगा तो वो क्या बनाती है? क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम इतने बड़े वाले हैं कि सेल डिवीजन के दौरान
ये अपनी एक कॉपी डबल कर लेते हैं, ये अपनी एक कॉपी फॉर्म कर लेते हैं, ये अपने जो क्रोमोसोम को डबल कर लेते हैं। ये कहानी पहले पता नहीं थी, बट जब एडवांसमेंट हुआ था हमने उसके मूवमेंट देखा, जब हमने क्रोमोसोम के अंदर शेल का जब पूरा मैकेनिज्म चेक किया तो हमें समझ में मिला कि जो क्रोमेटिन है वो क्या होती है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और वो अपनी कॉपी बनाती है। अब आ रही थी इसकी मेरे यहाँ पे सेल डिवीजन, इसके बारे में बात हो रही सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन के लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कक्षा 11th में आप लोग पढ़ के आए, ऐसा मैं मानता हूं, ध्यान रखना कि सेल की क्या होती है डिवीजन के दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। इक्वल डिवीजन दैट्स मीन माइटोसिस एंड रिडक्शनल डिवीजन दैट्स मीन क्या हो गया मियोसिस, हिंदी में बोलो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। बट यहां पे मेरा टॉपिक वो नहीं, मेरा टॉपिक ये है कि सेल जो डिवाइड होती है उसमें क्या प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, ओके प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज होती है, कक्षा 11th में पढ़ गया ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि ये बेसिक्स है, क्लियर। अब मेटाफेज ध्यान रखना होती है जहां पे क्रोमोसोम वेल शेप तरीके से एकदम बीचों बीच पट्टी पे आ जाते हैं, ओके। तो मुद्दा यहां पे मेरा कहना यहां पे ये है कि इसके पहले क्या चलती है एस फेज, क्या आती है एस, दैट मींस सिंथेसिस फेज। इसी फेज में आपके जो क्रोमो जो डीएनए है, कंफ्यूज नहीं होना ध्यान रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना, जो एस जिसे क्या बोलते हैं सिंथेसिस, ओके। तो यहां हमारे पास में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे डबल, क्या हो जाएंगे हमारे पास में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे डबल, ये क्या थे पहले 2n अब क्या हो जाएंगे 4n, क्या हो गया मेरे पास में डबल क्रोमोसोम, क्या मेरे पास में डबल हो चुका है, ओके। यानी मेरे पास में 46 है तो मेरे पास डबल हो चुके क्रोमोसोम, कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। अभी जब क्रोमोसोम 2n थे 4n हो चुके हैं, ओके डबल हो चुके जाने, क्लियर, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल ध्यान रखना, बात कर रहा हूं सेल को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ओके। यानी मेरे पास एक सेल थी इसमें दो सेल में डिवाइड होने वाली है, ओके। तो अब इसमें भी मुझे 46 चाहिए, मुझे इसमें भी 46 चाहिए ना, तो ये कब होगा जब ये सेल एक स्टेज में ये डबल होगी, एक पर्टिकुलर एस स्टेज में जब ये डबल होगी तब ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगी, अपने क्रोमोसोम को डबल करेगी एंड डिवाइड करके दोनों को आपस में बांट देती है, कहानी आता क्लियर। तो मैंने यहां पे बहुत सिंपल सा आपको स्टेटमेंट समझाया कि जब हमने क्रोमोसोम माइक्रोस्कोपी का जब एडवांसमेंट हुआ तो हमने पूरे न्यूक्लियस की स्टडी हमने की, तब हमने इसका सेल डिवीजन जब देखा तो हमें क्या मिले क्रोमोसोम मिले, क्या मिले जब हमने इसकी स्टडी की तो हमें क्या मिले क्रोमोसोम मिले, और वो क्या थे कलर्ड बॉडी, क्या थे कलर्ड बॉडी, मतलब जब हम इसको स्टेनिंग करके सब काम देख रहे थे कि वो किधर जा रहा है क्रोमोसोम बन रहा है नहीं बन रहा है क्या बन रहा है, तब हमने जब उसको स्टडी किया तो हमें क्या मिले वहां पे कलर्ड बॉडी के फॉर्म में क्या मिले क्रोमोसोम मिले, क्लियर कहानी। फिर वो क्या हुआ डबल एंड डिवाइड, पहले क्या हुए वो डबल हुए क्रोमोसोम, क्या हुए डबल, फिर क्या हुए वो डिवाइड हुए। तो डिवीजन की अगर हम बात करें तो क्या था मेरे पास में माइटोसिस, क्या था मियोसिस। तो मैंने बोला कि इक्वल डिवीजन तो सेम बोलते हैं माइटोसिस जो हमारे बॉडी की सोमेटिक सेल करती है, ये था हमारे पास मियोसिस, ये क्या था रिडक्शन जो हमारे बॉडी के ओनली फॉर जर्मिनल सेल करती है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, यहां तक आने क्लियर। हमारा टॉपिक क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी, यानी इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम को क्या करना है इनहेरिटेंस करवाना, ओके। तो यहाँ पे हमें दोनों को समझना था कॉन्सेप्ट को, तो इन ये पूरा ये बवाल करके पूरी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके सेल का या मूवमेंट का सब क्रोमोसोम का मूवमेंट देख के क्या निकाला नोट किया वॉल्टर एंड थियोडोर बोवेरिस नोटेड, इन्होंने क्या नोट किया, नोट इन्होंने ये किया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर पैरेलल है, क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ जीन आर पैरेलल, दोनों का जीन कैसा बिल्कुल पैरेलल एकदम एक ही तरह, एक है जीन थी जीन अगली पीढ़ी में गई, क्रोमोसोम था क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में गया, जीन पेयर में ये भी पेयर में सब कुछ कहानी पेयर में हो रही है यहां पे, तो क्या बोले यहां पे इन्होंने एक चीज नोट की कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर था वो और आपका जीन का बिहेवियर बिल्कुल क्या था सेम था, ओके। तब इन्होंने क्या बता कि इन दोनों ने मिलके क्या किया आपकी क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है वो मेंडल के लॉ पे समझा दी, जैसे मेंडल ने अपने लॉ के द्वारा जीन की मूवमेंट को समझाया, तब इसी दोनों बंदों ने क्या किया सटर एंड बोवेरी ने मेंडल की लॉ पे क्रोमोसोम की मूवमेंट को समझा दिया और बता दिया साहब, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत सिंपल है। फिर उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया यहाँ पे कि जो जीन और क्रोमोसोम दोनों क्या होते हैं पेयर में होते हैं, बहुत सीधी कहानी है, जीन भी क्या होते हैं पेयर में, क्रोमोसोम भी क्या होते हैं पेयर में, ओके। उसके अलावा क्या बोला ध्यान रखना कि जो एलील ऑफ जीन है, क्या बोला जो क्या बोला उसी में अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जिसे बोलते हैं एलील, ओके। तो एलील ऑफ जीन पेयर होमोलोगस साइट पे होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे,
ये मैंने आपको यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है रेड कलर का जो मार्क लगा रहा है अंदर की तरफ, तो ये मेरे पास में होमोलोगस क्या है, साइट है के जहां पे जाने का जीन आ रखी है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में पर्टिकुलर एक ही जगह पे सेम कुछ होमोलोगस साइट जाने क्या रखे या होमोलोगस आपकी लोकेशन पे क्या पे जो जीन आपके यहाँ रखे। क्लियर, बहुत कहानी है, कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है साइंटिस्ट के बारे में और एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में कि उससे आगे से क्या फायदा हुआ। माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट हो जाने से मुझे फायदा यह हो गया कि मैं सेल के सारे बिहेवियर को, क्रोमोसोम के बिहेवियर को, क्रोमोसोम की मूवमेंट को, उनकी सेल डिवीजन को समझ पाया। समझ आने के बाद में मेंडल इन दोनों ने